स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आप ही के चैनल ड्रीम फैंटसी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज श्रीलंका मैच के बारे में और उसकी ड्रीम टीम के बारे में। ये जो सेकंड T20 होने वाला है दोस्तों वो इंदौर में होने वाला है और आपको बता दूँ जो ये रनिंग ट्रैक है, जो यहाँ की पिच है दोस्तों, वो बैटिंग को ज़्यादा सूट करती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ड्रीम टीम की तरफ, जो यहाँ हमने एक टीम बनाई है दोस्तों। आपको बता दूँ ये स्मॉल लीग्स के लिए आपको हम ऑप्शन देते रहेंगे, साथ ही साथ ग्रैंड लीग्स के लिए भी। और एक चीज़ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप दोस्तों इस मैच में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि दोस्तों ये मैच थोड़ा रिस्की है। श्रीलंका की जो टीम है दोस्तों वो इतनी बैलेंसिंग नहीं है, उनमें प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कौन सा प्लेयर आज अच्छा कर पाएगा, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा एक रिस्की मैच है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। ले चलता हूँ आपको दोस्तों मैं टीम की तरफ। तो विकेट कीपर में दोस्तों हम यहाँ निशांत डिकवाले के साथ जा रहे हैं, जो कि ओपनिंग करते हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी भी लास्ट मैच में नंबर 4 पर आए थे। इस मैच में हम कह नहीं सकते कि धोनी फिर से नंबर 4 पर आएंगे बैटिंग करने, क्योंकि वो इंडिया टीम भी यही चाहेगी कि वो यंग टैलेंट्स को ज़्यादा मौका दे इस सीरीज़ में। तो इस अकॉर्डिंगली दोस्तों हम यहाँ निशांत डिकवाले के साथ जा रहे हैं। सेम चांसेस दोस्तों धोनी के साथ भी है कि धोनी भी एक अच्छा इस मैच में कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं तो यहाँ निशांत डिकवाले थोड़ा ज़्यादा अच्छा हमें दिख रहे हैं इस मैच में, तो इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों बैट्समैन की, तो यहाँ रोहित शर्मा को हमने इंक्लूड किया है, लोकेश राहुल को हमने इंक्लूड किया है, उपोल थरंगा जो कि ओपनिंग करते हैं टीम के, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और यहाँ श्रेयस अय्यर। आपको बता दें लोकेश राहुल टीम में कमबैक कर रहे हैं, तो इसलिए उन वो ज़्यादा रन स्कोर करेंगे डेफिनेटली। रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में है, उनको भी हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, और श्रेयस अय्यर ने भी ओडीआई में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, तो इसलिए हम उनके साथ भी जा रहे हैं। दोस्तों आज आपको एक रिस्की ऑप्शन बता दूं कि कुशेल परेरा आज टीम से ड्रॉप हो सकते हैं, तो आप इनके साथ बिल्कुल मत जाना। आज इनकी जगह धनुष्का गुनाथिलका के ज़्यादा चांसेस हैं खेलने में। धनुष्का गुनाथिलका भी एक बहुत अच्छी चॉइस है, अगर आप आज का वो मैच खेलेंगे तो हम उनके साथ भी बिल्कुल जाते, बट हम बिल्कुल श्योर नहीं है यहाँ कि आज का मैच इन दोनों प्लेयर में से कौन खेलेगा, तो हम इन दोनों ही प्लेयर के साथ यहाँ नहीं जा रहे स्मॉल लीग्स के लिए। हाँ आप ज़रूर ग्रैंड लीग्स में धनुष्का को ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन, क्योंकि दोस्तों आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आज के मैच में रन्स ज़्यादा स्कोर होंगे, तो धनुष्का मे भी आज अच्छा कर पाएँ। ऑलराउंडर्स में बात की जाए तो दोस्तों एंजिलो मैथ्यूज़ जो कि नंबर 4 पर आते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है श्रीलंकन टीम के, और दूसरे पर दोस्तों थिसारा परेरा को भी हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी दोस्तों चॉइस है नहीं, हार्दिक बहुत नीचे आते हैं तो इनके पास बैटिंग तो बिल्कुल आएगी नहीं, और बॉलिंग में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से हमें इतना अच्छा दिखता नहीं। लास्ट मैच में बिल्कुल श्रीलंकन टीम ऑल आउट हुई थी तो इनको विकेट्स मिल गई थी, बट आज के मैच में हम फिर से नहीं सोच सकते कि हार्दिक इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे बॉलिंग में, तो इसलिए हम इनके साथ भी नहीं जा रहे। बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमने युजवेंद्र चहल को पिक किया है, स्पिनिंग ऑप्शन बहुत अच्छा इंडिया टीम के लिए और लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में जरूर विकेट्स निकालता है। दूसरे पर दोस्तों यहाँ जयदेव नाटकट, इनके ऊपर भी थोड़ा रिस्की ऑप्शन है, बट क्रेडिट्स को भी देखा जाए तो टीम में ये परफेक्ट बैठ रहे हैं, और इंडिया टीम आज मे भी इनको फिर से खिलाए। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने कुलदीप यादव को लिया है, ये भी बहुत अच्छे टैलेंट है इंडिया टीम के। और लास्ट नंबर पे दोस्तों विश्वा फर्नांडो, फर्नांडो की बात की जाए तो दोस्तों इनका T10 सुपर लीग में कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा था, लास्ट मैच में अच्छा नहीं कर पाए बट डेफिनेटली आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए हम इन ऑप्शन का जा रहे हैं। आपको पता ही है जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट क्रेडिट्स को देखा जाए तो दोस्तों बिल्कुल इनके साथ हम नहीं जा पा रहे। मे भी अगर आप क्रेडिट्स एडजस्ट कर लो तो आप जयदेव की जगह बुमराह को ले सकते हो। और एक बार फिर से आपको बता दें दोस्तों धनुष्का गुनाथिलका आज आपके लिए ग्रैंड लीग्स में बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं, तो ये हमारी तरफ से सजेशंस थी आपको दोस्तों। अब आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दिखा देते हैं। रोहित शर्मा दोस्तों आज के मैच में कैप्टन के लिए जाएंगे, दोस्तों आपको पता ही है इन्होंने ODIs में कैसे मैचेस खेले थे, इनका जब एक मैच दोस्तों बुरा जाता है तो नेक्स्ट मैच में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं टीम के लिए, तो लास्ट T20 इनका अच्छा नहीं गया था तो आज हम इनके साथ कैप्टन में जा रहे हैं, मे बी आज बहुत अच्छा करेंगे फिर से। और दोस्तों श्रीलंकन टीम से हम यहाँ वाइस कैप्टन पे एंजिलो मैथ्यूज को पिक कर रहे हैं। बाकी आपको मैं एक बार फिर से चॉइसेस बता दूं दोस्तों, तो आप युजवेंद्र चहल के साथ भी वाइस कैप्टन में जा सकते हो, ये डेफिनेटली दोस्तों लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में विकेट्स पिक करता है, और दोस्तों यहाँ ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, तो आप फिर भी श्रेयस अय्यर के साथ भी ट्राई कर सकते हो वाइस कैप्टन में, या फिर आप उपोल थरंगा के साथ भी जा सकते हो, बट हम दोस्तों इसी टीम के साथ जाएंगे। एक बार आपको फिर से मैं प्रीव्यू भी शो कर देता हूँ इस टीम का। ये दोस्तों हमारी तरफ से स्मॉल लीग्स की टीम है, ग्रैंड लीग्स में आपको ऑप्शन दे चुका हूँ कि आप गुनाथिलका को ट्राई कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन इन दिस टीम, रिप्लेस आप उनकी जगह लोकेश राहुल को मे भी कर सकते हो, तो वो आपके लिए ग्रैंड लीग्स में एक सूटेबल टीम रहेगी। तो दोस्तों आपसे लास्ट में मैं यही कहूँगा कि वीडियोस अच्छे लगे हमारे चैनल के तो ज़रूर लाइक करें हमारे वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।